Halo 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 स्टार्ट किया गया तो हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल इनविजिबल टू यू विल गेट स्टार्टेड को पानी और कॉफी याद दिला दे देना हाँ बाद में ग्रेट Okay, let's get started. Good morning, everyone. Good morning, I hope you guys are doing great. Chaliye, let's continue our discussion. Kal humne SA 300 ka revision shuru kiya tha, and I think in 300 we talked about what is your overall audit strategy and the audit plan. आज audit program वाला part खत्म करेंगे, and once 300 is done, we'll move to the next essay जो उसके बाजू वाला essay that is SA 315, because हमारा चैप्टर थ्री दैट इज इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट काफी रिसेंटली डिस्कस हुआ था उसमें से भी एक ही ऐसे जो अलग से डिटेल में डिस्कस करना था थ्री वन फाइव उसको भी आज ही कवर करने का ट्राई करेंगे अभी के लिए थ्री हंड्रेड का रिमेनिंग पार्ट दैट इज योर ऑडिट प्रोग्राम देखिए ऐसे थ्री हंड्रेड में तीन मेजर चीजें होती है एक होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दूसरा होता है ऑडिट प्लान एंड तीसरा होता है ऑडिट प्रोग्राम सो वी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी उसके पांच फैक्टर्स वी मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट प्लान एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान यह कल डिस्कस हो चुका था आज आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोग्राम वाला पार्ट ऑनेस्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका ऑडिट प्रोग्राम जो आज डिस्कस करेंगे वो है एंड जो कल ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू आर द कोर एरियाज़ से नॉर्मली 300 में क्वेश्चन पूछा जाता है लेट्स गो टू ऑडिट प्रोग्राम आइए मॉड्यूल्स नंबर

हर एरिया के बारे में ताकि मैं क्या ड्रॉ कर पाऊं अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊं तो जब मैं एक प्लान बनाता हूं एक एरिया में क्या मैं स्टेप्स लगाऊंगा क्या मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा जिससे मैं क्या कर मुझे मिल जाएगा. वो स्टेप्स वो प्लान कहलाएगा ऑडिट प्रोग्राम सो ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लान फॉर अ स्पेसिफिक एरिया पहले सीधा ये डेफिनेशन को पढ़िएगा वन बी पॉइंट नाइन पॉइंट नंबर टू यहां पर आपको डेफिनेशन मिलेगा ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखवा के भी दिया है ये डेफिनेशन सर इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स जो हम अप्लाई करना चाहेंगे ऑन अकाउंट बैलेंस ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि हम क्या ऑप्टेन कर पाए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर पाए एंड ऑब्वियसली ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हम हमारे कंक्लूजन तक आने चाहिए मतलब फाइनेंशल स्टेटमेंट या उसके एरिया पे कोई भी एक एरिया पे मैं क्या प्रोसीजर क्या मिल जाए प्रोग्राम so so मतलब एक एरिया पे मैंने क्या प्रोसीजर्स लगाने चाहिए जिससे मुझे क्या मिल जाएगा सफिशियंट एंड्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसिस दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम आपके के लिए एक एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया हुआ है मॉड्यूल्स के अंदर इट्स ऑन पेज नंबर टू थर्टी के बाद में मिलेगा आपको कल जो आपको एस ए टू थर्टी पढ़ाया था उसके बाद नॉर्मली एक एग्जाम्पल रहेगा उसे देख लीजिएगा अपने इंटर के मॉड्यूल्स में रहेगा ऑन पेज नंबर वन ए पॉइंट थर्टी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम दैट हम एक एरिया में इट्स ऑन पेज नंबर वन इंटरमीडिएट एस मॉड्यूल कैश एंड बैंक हम क्या स्टेप्स लगाएंगे ये हमारे सीरीज़ ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स जो हम परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या ऑप्टेन होगा सफिशियंट एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट ये मतलब एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम क्या प्रोसीजर लगाए जिससे हमें क्या मिल जाए अप्रोप्रियट ऑडिट ये प्लान कहलाएगा ऑडिट प्रोग्राम रिमेंबर ये ऑडिट प्लान का ही पार्ट है ऐसे अलग अलग एरिया के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तब हमारा ओवरऑल ऑडिट प्लान कंप्लीट होता है इज दिस मतलब प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान ये लिखना नहीं लिखना क्या है सर ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा तरीका है जहां पर हम कुछ प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे क्या डिजाइन करेंगे कुछ प्रोसीजर्स फॉर अ रिस्पेक्टिव एरिया एरिया और अकाउंट बैलेंस किसका पार्ट रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सो so दैट हम क्या ऑप्टेन कर पाए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ताकि हम क्या कर पाए हमारा कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए टू ड्रॉ कंक्लूजन मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए ऑडिट एविडेंस के लिए प्रोसीजर

ठीक है अब वो मुझे पूछेगा ये ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं कॉमन क्वेश्चन तो मेरे को डेफिनेशन आना चाहिए modules, 1B. 11. करते हैं. अगर हमने एक बढ़िया ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि भाई कैश एंड बैंक में ये पांच स्टेप्स लगाने का है इन्वेंट्री में ये दस स्टेप्स लगाने का है डोंट यू थिंक वो स्टेप्स को देखते हुए वो प्रोग्राम को देखते हुए हम सही स्टाफ को सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री का कंटेंट देख के समझ में आएगा मे बी समवन मोर एक्सपीरियंस ये काम कर पाएगा मे बी कैश एंड बैंक एक यू नो लेट्स लेर्स्ट एयर आर्टिकल भी काम कर सकता है तो मतलब सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ईजी हो जाएगा बिकॉज ऑडिट प्रोग्राम में पूरा प्लान लिखा रहेगा इस एरिया में ये प्रोसीजर लगाना है तो इससे सही स्टाफ को हम सेलेक्ट कर पाएंगे और स्टाफ को सेलेक्ट करने के बाद में बराबर से डायरेक्शन भी दे पाएंगे कि आपको कैश एंड बैंक में ये ये स्टेप्स लगाने हैं

एडवांटेजेस भी बन जाएंगे आइए मेरे साथ पढ़िए चार पांच पॉइंट को पिक करते हैं देखो सबसे पहला चीज सही असिस्टेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि आपको क्लियरली मालूम है काम में एक्टली प्लानिंग कैसे करना है काम को डिफाइन किया है वर्क का सेग्रीगेशन है तो वी नो कैश एंड बैंक फर्स्ट ईयर आर्टिकल को दे सकते हैं मे बी पेरोल वाला काम या इन्वेंट्री वाला काम एक सेकेंड ईयर आर्टिकल या थर्ड ईयर आर्टिकल को देना पड़ेगा सो सर सेलेक्शन ऑफ राइट असिस्टेंट इज वेरी इजिली पॉसिबल फिर उस असिस्टेंट को ना आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ कंटेंट इज ऑल्सो लाइक अ इंस्ट्रक्शन तो मतलब ऑडिट प्रोग्राम बढ़िया बनाओ अपने स्टाफ को दे दो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाएगा किसके लिए हमारे असिस्टेंट्स के लिए तो सही असिस्टेंट को सेलेक्ट कर पाओगे उन्हें बराबर से आप इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे क्या पॉइंट नंबर ए एंड सी क्लियर टू यू अच्छा दूसरा चीज लोग ऐसा बोलते हैं अगर आप ये प्रोग्राम ना बनाओ तो आप क्या सोचोगे ज अ मेंटल प्लान मुझे पता है कैसे स्टेप्स लगाने बट मेंटल प्लान में कभी कभी हो सकता है ना आप चीजों को स्किप कर दोगे आप भूल जाओगे इसलिए बेटर है उस मेंटल प्लान को ही क्यों ना एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया जाए जिससे क्या होगा कोई भी चीज को भूलने का या you know, overlook करने का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एडवांटेज नंबर थ्री सॉरी नंबर फोर विद रिटर्न एंड प्री डेटर प्रोग्राम शायद काम करते करते आप मेंटल यूनो प्लान को यूज करेंगे जिसमें शायद कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों

अगर बढ़िया ऑडिट प्रोग्राम रहा तो सर अ वेल well...

कंफर्टेबल है आगे बढ़े चलो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अब सर क्या होता है जब ये सेम प्रोग्राम बना करके आपको बार बार फॉलो करने के लिए बोला जाएगा ये थोड़ा एक मोनोटोनस प्रोसेस बन जाएगा मैकेनिकल बन जाएगा प्लस एक तरीके से रिजिड बिहेवियर है आपको बोला इस एरिया में पांच स्टेप्स लगाने हैं इट इज एज गुड एज आपको अपना दिमाग यूज करने का पावर ही नहीं है तो कभी कभी क्या होगा एक तरीके से ये एक पूरा

करोगे आठ से दस घंटे लगेंगे अगली बार टू प्रॉबलीट आवर्स और धीरे धीरे यू यू विल विल रीच अ लेवल फर्स्ट फिनिश योर डॉक्यूमेंटेशन देन यू विल गो फॉर चेकिंग इन थ्री टू फोर आवर्स जनरली ऐसा करते करना सही नहीं है ये बट यू रीच सच रिमेंबर ऑल द स्टेप्स सो

इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाएगा कि आपको डेविएट करने का नहीं है। आपको बोला स्टेप्स इनवॉल्व है आपको ये क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा आपको डेविएट करने का स्कोप ही नहीं दिया जाएगा इससे शायद कभी कभी चीजें मेरे सबसे बहुत इनिशियंट हो जाएगी बहुत खराब हो जाएगी इन योर ऑडिट प्रोसीजर्स नंबर विल टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम मतलब वो इनफिशियंट है बट कभी फॉर्म को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि फॉर्म को लगेगा पांच स्टेप फॉलो करने के अंदर सामने वाला इंसान चैंपियन है तो कहना इसे वो इनफिशियंट होकर के भी अपने आप को डिफेंड कर पाएगा प्योरली बाई शील्डिंग दमसेल्व ऑडिट प्रोग्राम लास्ट वन एक

वेरी फ्यू ऑफ देस टू परस्यू देर इन स्टार्ट डू नो वाई बिकॉज ऑफ बिगर रिस्क इन बिजनेस बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड क्या लिया है जो हमारे स्टेप्स है ना इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो आपको स्टेप एज फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से लोअर लेवल पे मैकेनिकल हो गया है जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरा मैनेजर एंड अब रह गया है तो इसीलिए जो लोअर लेवल पे अब ऑब्वियसली तुम डे वन पे तो मैनेजर बन नहीं सकते बिग फोर के अंदर या किसी भी बड़े फॉर्म में बराबर है कि नहीं क्वालिफिकेशन के बाद में दो चार साल तो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा एक गुड फोर टू फाइव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड टू बिकम अ मैनेजर तो पहले चार पांच साल तक मेरे को लगता है ऑडिट मैकेनिकल ही है क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पावर ही खत्म हो गया पूरा का पूरा लोअर लेवल के ऊपर बिकॉज बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत बढ़ गया है जिस वजह से उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग हायर लेवल पे रख दिया है लोअर लेवल पे इंस्ट्रक्शन आए हैं फॉलो करने का है. तो लोगों को लगता है ऑडिट इज इंटायरली मैकेनिकल क्योंकि ऑब्वियसली जो इनिशियल पांच साल के फेज में काम करने वाले लोग हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग ही नहीं है एंड ऑब्वियसली जो मेजोरिटी पब्लिक पास होगा वो शुरुआत वो पांच साल के ब्रैकेट में आएगा तो हर किसी को क्या लगता है इधर तो दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं सब कुछ मोनोटर मैकेनिकल है ये इंडस्ट्री के अंदर काम करके फायदा नहीं है दिस इज बिकमिंग द नेगेटिव पार्ट टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री ऑनेस्टली स्पीकिंग बाकी जो दूसरी इंडस्ट्री है वहां लोगों को लगता है मेरे को बहुत दिमाग लगाने का मौका है वहां उल्टा होता है लोअर लेवल पे उनको ऐसा मौका दिया जाता है कि अब दिमाग लगाओ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इज स्टिल ए टॉप लेवल बट यहाँ पर क्योंकि कंप्लाइंस है रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है तो उनको आपके लिए प्रोग्राम बना के देना ही पड़ता है यहां वो रिस्क ले नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आपने गलत किया तो पार्टनर करेगा पार्टनर को लेकर जाएंगे, ले जाएंगे ना बात समझ में आया क्या इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले रहे तेरे को वैल्यूशन करने के लिए तूल्यूशन घटिया कर दिया आखिरी में वैल्यूएस क्या देना पब्लिश करेगा ना वैसे भी मैंने मेरे हिसाब से कर लिया है तुझे बस दिया है नंबर क्रंचिंग फॉर मी बट तुझे लग रहा है तू तेरे हिसाब से जजमेंट यूज कर रहा है एट अ लोअर लेवल दैट्स व्हाई द फर्स्ट फाइव इज मेकिंग अ डिफरेंस इन द इंडस्ट्री आई एम जस्ट शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल थिंक टुडे ओवरऑल अबाउट इंडस्ट्रीज जाने दीजिए पॉइंट सही है अ हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स मैं डिसएग्री नहीं करता हूं ये डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है अब भाई ये डिसएडवांटेजेस तो है एमसीक्यू ए करेक्टिंग करेक्ट में क्या पूछ सकता है डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं हाउ कैन यू ओवरकम दीज डिसएडवांटेजेस नीचे एक पैराग्राफ दिया है उसको माफ कीजिएगा ऑल दीज डिसएडवांटेजेस कैन बी इलिमिनेटेड अगर आप बराबर से लोगों का काम सुपरवाइज करते हो थोड़ा सा ऑडिटर भी एक रिसेप्टिव एटीट्यूड रखता है मतलब असिस्टेंट्स को बोलता है यू कीप एन ओपन माइंड आप अपने हिसाब से थोड़ा लगाने का ट्राई करो हम आपका बात सुनेंगे एक least, एक एटलीस्ट म्यूचुअल एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए जहां पर एक असिस्टेंट को भी थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाए थोड़ा बहुत उसकी बात को सुना जाए अगर एक ऑडिटर ऐसा रिसेप्टिव एटीट्यूड रखेगा तो असिस्टेंट को भी शायद लगेगा दे विल बी एनकरेज टू ऑब्जर्व मैटर मोर ऑब्जेक्टिवली

नहीं हो सकता है डू यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पैराग्राफ ये डिसएडवांटेजेस है ये उसको ओवरकम करने का एक तरीका है जो ऑथर रेकमेंड कर रहा है बराबर है कोई गलत नहीं है अवी गुड योर टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एडवांटेजेस पढ़ो डिसएडवांटेजेस पढ़ो ये नोट पढ़ो Done. अब आपसे वो ऑडिट प्रोग्राम में और क्वेश्चन क्या पूछ सकते देखो एक टाइम था जब ऑडिट प्रोग्राम में सबसे क्वेश्चन आता था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या बहुत ज्यादा हो गया तो क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए टू कम अप विद ऑडिट प्रोग्राम कम टू पेज नंबर नाम बी पॉइंट टेन कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आपको एक लास्ट में दिखेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स ये सबसे कॉमन तीन क्वेश्चन थे एडवांटेजेस पूछ लेगा लिमिटेशन पूछ लेगा या ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पूछ लेगा फैक्टर्स पूछ लेगा पहले यह पढ़ लेते हैं कि भाई वॉट पॉइंट आई शुड कीप इन माइंड इफ आई वॉन्ट टू कम अपुड ऑडिट प्रोग्राम बेसिक से पॉइंट ऑडिटर को अपने स्कोप के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए ऑडिटर को बेस्ट पॉसिबल तरीके से होना चाहिए फिर सर ट्राई करो बेस्ट पॉसिबल एविडेंसिस क्या होंगे फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पर कंफर्मेशन लेटर भेजना पॉसिबल होगा तो आपके ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट रहेगा अगर कन्फर्मेशन लेटर पॉसिबल नहीं है तो आपके ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा Whatever is the best possible evidence for every area, you should try to cover that in your audit program. Is point number ABC clear to you?

दो प्रोसीजर्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम का है मतलब कोई यूजलेस स्टेप्स मत लगाना ऑब्वियसली थोड़ी लगाओगे यार बट ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए मेरे हिसाब से पॉइंट ए बी सी ये तीन अच्छे हैं पॉइंट नंबर एफ अच्छा है लॉजिकल है ए बी सी पॉइंट नंबर एफ ये भी एकदम लॉजिकल है एंड पॉइंट नंबर जी आपको एक्सप्लेन करता हूं समझ जाए तो लिख सकते हो सुनिए जब हम एक एरिया के लिए प्लान करते हैं ना हमको सोचना पड़ता है इस एरिया का रिलेशनशिप कोई और एरिया से भी है क्या फॉर एग्जाम्पल परचेजेस चेक कर रहा हूं उसमें कैश परचेज भी होगा क्रेडिट परचेज भी होगा क्रेडिट परचेज होगा तो पेबलर के इंपैक्ट तो मेरे इन्वेंट्री के ऊपर भी आएगा मतलब मेरे लिए अलग अलग एरिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं so, really well किस एरिया का इंपैक्ट किसी और एरिया पे आ सकता है क्या ये कोऑर्डिनेशन करना मेरे को आना चाहिए तो पॉइंट नंबर जी बोलता है कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स जो आप अप्लाई करना चाहोगे टू द रिलेटेड आइटम परचेज सेल्स चेक करते वक्त ध्यान रखना इंपैक्ट से यू नो एंड पे आने वाला है ताकि आप ऑडिट प्रोसीजर ऐसे लगाओ जिससे एक जगह पर जो प्रोसीजर लगाया वो दूसरी जगह पर आपको क्या करेगा हेल्प करेगा क्योंकि अल्टीमेटली इनवॉइस जब चेक करना है तो परचेज इनवॉइस तो सेम ही रहेगा ना चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो सिमिलरली सेल्स इनवॉइस तो सेम ही रहने वाला है तो इसीलिए एक एरिया के लिए प्रोग्राम बना कीप इन माइंड सेम एरिया बाकी दूसरे एरिया से कोई कनेक्टेड है क्या कहा मुझे सेम काम में आ सकते हैं समझा क्या? कोई भी चार पॉइंट पिक कर लो मेरे हिसाब से ए बी सी पॉइंट नंबर एफ एंड जी अच्छे अर्चदीप फाइनल के लेक्चर्स भी आज से रिज्यूम होने वाले हैं आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर दैट एंड फ्रॉम टुडे इवनिंग 7:30 पीएम फाइनल का लेक्चर भी वापस अपलोड होना शुरू हो जाएगा तुम तो पढ़ो Done. किस्मत बढ़िया हुई तो या तो यही आएगा या फिर एडवांटेजेस जो परेशान करने वाला क्वेश्चन वो है बहुत आसान समझना चाहिए आपको यहाँ पर वन बी पॉइंट जो आखिरी के तीन सब हेडिंग है ये तीनों को मतलब समझना बहुत जरूरी है बच्चा क्या इनको पढ़ता ही नहीं है ना उसको समझता है आजकल आईसीआई क्या, क्या करता है जो ऑबवियस क्वेश्चन है वो नहीं पूछता है वो जानबूझ के ऐसा कुछ पहले ये फाइनल में आते थे ये कॉमन क्वेश्चंस थे फाइनल के अंदर इंटर में नहीं आते थे बट अब उन्होंने इंटर में लिख दिए और आपको प्रॉपर चैप्टर बना के दिया है तो मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा फाइनल में आने का कम लगता है इंटर में आने का ज्यादा लगता है सुनिएगा शांति से कैन आई से मैंने एक लिख से ऑडिट प्रोग्राम बनाया इन्वेंटरी का सेम प्रोग्राम मैं अपने हर क्लाइंट पे लगा सकता हूं क्या नहीं यार हर बिजनेस का नेचर अलग होता है साइज अलग होता है हर बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटी अलग होता है आई कैनोट जस्ट मेक वन यू नो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम एंड अप्लाई फॉर ऑल द क्लाइंट्स बिकॉज माय ऑडिट प्रोग्राम विल वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट लॉजिक अलग नहीं है बस पहला पॉइंट तो यही बोलता है स्टेप बाय स्टेप समझो इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस बिकॉज बिजनेस वेरी करते हैं किस किस में नेचर में साइज में कॉम्पोजिशन में इसीलिए सारे बिजनेसेस के लिए एक सेम ऑडिट प्रोग्राम लगाना सही नहीं होगा मतलब कैन आई से मुझे पता होना चाहिए दैट सर वन ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑल बिजनेसेस एज इट इज यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस साइज ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व क्या है उस एरिया में अमाउंट इन्वॉल्व कितना है फिर उसके हिसाब से आपने क्या बनाना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए इस

आप एज अ फॉर्म एक प्रोग्राम बनाते हो हर क्लाइंट के लिए सेम प्रोग्राम लगाते रहते हो ये सही है कि गलत है ऑब्वियसली गलत है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है हर क्लाइंट के लिए हर एंगेजमेंट के हिसाब से अलग प्रोग्राम बनाना चाहिए यू के नॉट से आई विल प्लान ऐसा कर सकते हो क्या यार ग्यारहवीं के लिए प्लान फाइनल तक अप्लाई करते जो सेम चीज बकवास चीज हो गया अब आरआईएल का नंबर और पेटीएम का नंबर कंपेरेबल थोड़ी है यार आर एल का नंबर जोमैटो का नंबर कंपेरेबल थोड़ी है यार यू के नॉट सेम सेम प्रोग्राम अप्लाई करेगा हर जगह पर अलिस्टिक ये पॉइंट नंबर वन इन टू में बोला है अब अब गुड अबाउट दिसेट टू कीप एन ओपन माइंड इसका मतलब क्या सुनिए हम जानते हैं ऑडिट प्रोग्राम है। हम जानते है, है. बोला जाए, मतलब सर, हम एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना करके देंगे और बोलेंगे जनरली इन्वेंट्री चेक करने के लिए आठ स्टेप्स लगाने चाहिए पर जब हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एडिशनल स्टेप्स

एज एक्सपीरियंस इज गड बाई एक्चुअली करना पड़ सकता है इग्नोर हाँ. कर दी होगी बट बाद में रेलिवेंट एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री जब चेक करना शुरू किया आपको लगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थे ही नहीं कभी आज तक पर इस बार पता चला इन्वेंट्री का सेवेंटी परसेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से आया है।

सॉरी बंद करने के चाके कर दो ना बटन बंद देर विल अ स्विच देर कर देना, देना। वहीं पे एक बटन रहेगा सामने फोन से बंद मत कर <laughs> उसकी वजह से खराब हो जाता है उसके बाद में फिर फोन से कंट्रोल होता है। है, चलो, इस पॉइंट में इसीलिए हम बोलेंगे एन ओपन माइंड कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट मिलेगा तो उसने किसको बताना चाहिए सुपरवाइजर इन प्रिंसिपल को बताना चाहिए जो हमने ऊपर डिसएडवांटेजेस के नीचे भी पढ़ा पढ़ा था है पैराग्राफ के अंदर वो सेम चीज है मतलब यहां पर वन इन टू अच्छा है यहां पर वन इन टू अच्छा है इस क्लियर टू यू फिर आ जाइए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ये चीज क्या बोलता है सर एक बार मैंने आर के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो क्या हर साल आर के लिए सेम ऑडिट प्रोग्राम फॉलो करते जाऊंगा मैं कर सकता हूं पर मेरे लिए टेंशन क्या है ट इफ बिजनेस का स्केल चेंज हो गया बिजनेस डाइवर्सिफाई हो गया कंप्लाइंस बदल गए कंपनी के लिए मतलब इफ देर इज अ चेंज इन योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस द सेम ऑडिट प्रोग्राम ऑफ प्रीवियस इयर्स मे नॉट बी रेलेवेंट टुडे तो हम क्या बोलते हैं आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को हर साल कंप्लीटली चेंज करो ऐसा नहीं बोल रहे हैं बट पीरियोडिकली क्या करते जाओ रिव्यू करते जाओ कि भाई लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल के अंदर क्या कोई मेजर बदलाव है क्या अरे अंडरस्टैंडिंग एंटिटी तो हर साल ही करते हो तो आपका लास्ट ईयर का अंडरस्टैंडिंग के बेस पर समझो ना इस साल बदला है क्या कुछ अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आया है तो प्रोग्राम को भी क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा मतलब ये आपको गाइडेंस देना चाहता है सेम ऑडिट प्रोग्राम हर साल अप्लाई नहीं कर सकते सेम क्लाइंट के लिए भी ऊपर तो बोला सेम प्रोग्राम फॉर ऑल क्लाइंट्स वो तो इंपॉसिबल है अब बोल रहा हूं सेम सेम प्रोग्राम फॉर फॉर क्लाइंट ऑल इयर्स वो भी क्या है इंपॉसिबल है हमने पीरियडिकली हमारे ऑडिट प्रोग्राम को क्या करना चाहिए रिव्यू करना चाहिए हमें देखना चाहिए कंट्रोल्स में कुछ बदलाव है क्या हमने देखना चाहिए बिजनेस के नेचर में कुछ बदलाव आया है क्या उसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम को रिव्यू करके बदलते रहना चाहिए रीड नंबर वन एंड टू देखो दे शुड बी पीरियोडिक रिव्यू

क्या होगा ओपिनियन गलत होगा अगर आप चाहते हो आपके प्रोग्राम का यूटिलिटी मेंटेन रहे नंबर थ्री को माफ कीजिएगा तो यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन एंड एनहेंड अगर आप रेगुलरली प्रोग्राम को अप टू डेट रखते हो एज पर द्लाइंट ऑपरेशन एज पर द इंटरनल कंट्रोल ताकि प्रोग्राम में जो इन एडिकुसीज है रिडेंडेंसी है जो प्रॉब्लम है उन्हें आप क्या करते हो रिमूव करते हो इन प्रोग्राम को क्या करते हो अप टू डेट रखते हो वन टू थ्री को मार्क कर लीजिएगा तीनों पॉइंट आंसर में इंपॉर्टेंट आएंगे Should Should we we do a periodic review? Yes. Yes. keep the program up to date? Yes. Otherwise, आपका प्रोग्राम ऑप्सिलिट बन जाएगा एंड आपका काम में माना जाएगा आपने डेलीजेंटली काम नहीं किया है तो खत्म हो गया ऑडिट प्रोग्राम में ये तीन चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है ऑडिट प्रोग्राम में एडवांटेजेस आना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम को बनाते वक्त क्या चीजें दिमाग पे रखनी है वो आना चाहिए एंड ऑब्वियसली डेफिनेशन तो आना ही चाहिए इतना समझा क्या शो यू अ क्वेश्चन चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं उसके पहले कुछ और आपको थ्री हंड्रेड में पढ़ने की जरूरत है क्या एक दो चीजें और है बता देता हूं बाकी आप खुद रीड कर लीजिएगा वन बी पॉइंट फिफ्टीन एक दो चीजें रिवाइज करवा के समझा देता हूं फिर क्वेश्चन पे जाता हूं अदर इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ हेडिंग पढ़िएगा प्लानिंग के अंदर क्या हमने हमारे टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ऑब्वियसली करना चाहिए शुड नो दैट यू शुड इनवॉल्व ऑल इंपॉर्टेंट पीपल इन द प्लानिंग वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उससे हमारा प्लानिंग बेहतर हो पाएगा नंबर टू क्या हमने प्लानिंग के एलिमेंट्स डिस्कस करने चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट से हाँ उन्हें बताना तो पड़ेगा ना हमारा ओवरऑल ऑडिट का टाइमलाइन क्या है पर ध्यान रखना उन्हें उतना ही बताना जितना आपके ऑडिट के इफेक्टिवनेस को इंपैक्ट ना करे पता ना चले कि आप उन्होंने सब कुछ बता दिया मैं इस एरिया में ये पंद्रह सैंपल चेक करूंगा इस एरिया में पच्चीस सैंपल चेक करूंगा तो वो मैनिपुलेशन बहुत ईजीली कर लेगा इतना ही इंफॉर्मेशन बताओ कि आपके ऑडिट का इफेक्टिवनेस क्या नहीं हो कॉम्प्रोमाइज ना हो एक लाइन को मार्क कर लीजिएगा सर जब आप डिस्कस करते हो मैटर्स इन द स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान विद द मैनेजमेंट यू शुड कीप इन माइंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए अरे क्योंकि ये लाइन ऊपर लिखी भी आगे ऊपर लिखा है तुमको, तुमको मैंने पहले लिखा दिया था इधर में लिखा नहीं रहा हूं सही है बेटा इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट समझा क्या ऊपर आइए कम टू पेज नंबर वन बी पॉइंट फोर्टीन यूल सी हेडिंग चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डर मतलब एक बार प्लानिंग बनाया क्या प्लानिंग के अंदर बदलाव आ सकता है हां हो सकता है जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे आपको कुछ ऐसे, मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, जिसकी से आप ऑडिट की प्लानिंग को पूरा क्या करना चाहेंगे ऑडिटर शाल अपडेट एंड चेंज दी एंड ऑडिट प्लान एज इट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे कभी कभी कंडीशन में बदलाव आएंगे या कभी कभी ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसकी वजह से मार्क वर्ड ऑडिटर को पूरा स्ट्रेटेजी एंड प्लान क्या करना पड़ सकता है चेंज करना पड़ सकता है ऑब्वियसली यू शुड कीप दैट इन क्या डॉक्यूमेंट करोगे वही स्ट्रेटेजी प्लान और जो चेंजेस इन द प्लान किया डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा समरी है, जो उस ऐसे का कोर उसके डॉक्यूमेंटेशन करोगे क्या उनमें बदलाव आ सकता है हाँ वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा यस नथिंग न्यू ऊपर आओ एक चीज और रहेगा दिस पार्ट पेज नंबर वन बी पॉइंट नाइन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस घटिया है आईजे को बहुत पसंद है पॉइंट नंबर वन को मार्क कीजिएगा ये बोलता है वन बी पॉइंट नाइन

एमसी को करेक्ट करेक्ट दिक्कत नहीं आएगा कि भाई ये डिस्क्रीट फेज नहीं है कंटिन्यूस प्रोसेस है अब बता दोगे प्रॉब्लम चार मार्क के क्वेश्चन में आएगा क्योंकि तो जितना आपको आता है वो तब तो क्वेश्चन में रहेगा तो भाई इसके लिए चार पॉइंट लिखने का मतलब पॉइंट नंबर थ्री लिखना पड़ेगा जो यूजलेस है कोई रिलेशनशिप नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा मतलब लिखना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है पहले नंबर वन पढ़िए फिर थ्री पे आएंगे

थ्री वन फाइव के पार्ट है थ्री वन फाइव आना चाहिए थ्री ट्वेंटी मटेरियल डिसाइड करना आना चाहिए कोई एक्सपर्ट वगैरह का यूज करने का है क्या वो वाला पार्ट आना चाहिए क्या इसे पहले चार पॉइंट इस थ्री वन फाइव थ्री ट्वेंटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इज ऐसे

गलती से लिखा हुआ है इधर मेरे हिसाब से और वो आई आंसर में कॉपी पेस्ट करते रहता है इट्स अ घटिया कैटेगरी क्वेश्चन कीप इन माइंड ये लैंग्वेज अगर आया तो ऐसे चार पॉइंट लिखने पड़ते इसमें दिमाग लगाओ ही मत फालतू का क्योंकि प्लानिंग में ये क्या सब कुछ याद है यार प्लानिंग में तो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इट्स भी आता है लिख दो वो भी वो भी सही है पर आंसर से मैच नहीं होगा ना ये अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम इसीलिए चुपचाप दिमाग मत लगाने का चार पॉइंट उठाने का लिख देने का ये बकवास है कुछ जगह जहाँ बकवास है वो बकवास है दिमाग लगा के फायदा नहीं अभी गुड दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसे थ्री हंड्रेड फ्रॉम माई साइड हमने पूरा आपको आएंगे। वो भी दो. और जब दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मतलब कोई ना कोई चार चार मार्क के अलग अलग क्वेश्चन में बारिफिकेशन रहेगा मतलब दोनों के दोनों एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहेंगे आपको बताया था ना वन क्वेश्चन फोर पार्ट्स सो इट विल बी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर कहीं कहीं अलग अलग जगह मिलेगा तो एक चैप्टर पढ़ोगे दो क्वेश्चन का एक एक पार्ट कंफर्म हो जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा चीज रहेगा ऐसे एसेज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो मैं मानता हूं चैलेंजिंग है लेंदी है देन अदर कंपेरिटिवलीस बट आपको दस नंबर पर तो मिलेगा यार समझिए ना और इधर कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ ही नहीं सकता है यू कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू चलो लेट मी शो यू वन और टू क्वेश्चन फिर हम थ्री वन फाइव पे जाएंगे We are in planning. Chapter number मैं कोई खराब वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूं इजी वाला नहीं दिखाने का मेरे को चलो ये क्वेश्चन देखो क्यू एन ए मॉड्यूल पेज नंबर टू पॉइंट इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो मिस टीपीएन कंपनी अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑडिटर ऑफ केएसआर फॉर मेनी इयर्स ओके KSR has diversified their business into new areas during the last year. The senior member of the audit team handed over the standard audit program of earlier year to the audit assistant and instructed them to follow the same. The assistants are conducting the audit accordingly. Whether, this is a story. Ho gaya, whether the attitude of audit assistants is justified or they are required to keep an open mind obviously they are required matlab but isme obviously they are required to keep an open mind se ek number bhi nahi milega aapko thoda kahani banani padegi can i say wo bol raha hai business mein diversification aaya hai मतलब पहले हमने standard program बनाना चाहिए जब हम audit करेंगे हमारा experience gain होगा तो धीरे धीरे हमारा program भी बदलना चाहिए अरे अभी बताया था ना आपको दो पॉइंट पहले मार्क करने के लिए बोला था ऐसे वो वो ऊपर के दो नीचे के दो नीचे के तीन टू टू थ्री पॉइंट के ऊपर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है अपने दिमाग से डिलीट कर दो कोई तो राइटिंग का फॉर्मेट होता है कुछ नहीं होता है मैं थक गया हूं ये बोल बोल करके ये क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट है तेरे को क्वेश्चन समझना चाहिए और जो सीधी सीधी बात तेरे मॉडल में लिखी है वो लिखनी पड़ती तू पैराग्राफ में लिख पॉइंट में लिख पैराग्राफ में मेरे को पैराग्राफ पसंद नहीं मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया कंटेंट तो सेम मार्क्स तेरे को सही चीज लिखने का मिलेगा चाहे तू एक, -एक लाइन का एक पॉइंट बना या दस लाइन का पैराग्राफ बना समझ में आया क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है समझ ले तू जितना दिमाग फालतू में लगाएगा ना मैं ऐसा ऐसा फॉर्मेट में उतना टाइम वेस्ट कर रहा है उससे पढ़ ले सिलेबस को तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा डायरेक्टली डायरेक्ट से बात कर रहा हूं आई एम लुकिंग ओनली एट यू ऑनलाइन स्टूडेंट यू अंडरस्टैंडिंग दिस दिस गेट आउट ऑफ योर हेड ऐसा कुछ नहीं होता आई से अपनी जिंदगी में आज तक नहीं बोला इस फॉर्मेट में आंसर लिखो समझा क्या ओके okay, तुमको समझा क्या अभी <laughs> मैं डरा नहीं रहा हूं यार तुमको आई मे साउंड लाइक दैट बट गेट दिस आउट ऑफ योर हेड एवरी लेक्चर राइटिंग सर राइटिंग बता दो ना कैसे लिखा अरे ले। और राइटिंग करते बैठेगा कर सिर्फ मतलब क्या राइटिंग पॉइंट लिखने के? या ऐसे पैराग्राफ में? कुछ नहीं होता है प्लीज दिमाग से डिलीट कर दो इट्स यूर बींग ब्रेन वॉश आई एम सॉरी जस्ट डिलीट दैट इट्स यूजलेस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तू एक काम कर एक मस्ट डायग्राम बना के आंसर लिख तब भी उतना ही मार्क्स मिलता कुछ नहीं होता कंटेंट हाँ, होना चाहिए चाहिए वर्ड्स होने डायग्राम के के अंदर अंदर भी वरना क्लाउड बना कुछ लिखा ही नहीं वो भी नहीं मिलेगा मैं आपको बार अबाउट समथिंग विच इज फोकस इंटायरली भाई मुझे 300 में क्या आना चाहिए और क्या लिखना है आईसीआई थियरी में क्लियर है उसे स्पेसिफिक है तू जितना पढ़ सकता है उतना वो सोचो ना क्वेश्चन में भी जान मुश्किल देते ना, खुद डर लगता है उसको कि तेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा लास्ट क्वेश्चन टू कीप एन ओपन माइंड अरे की उसे भी डर लग रहा है तुझे क्वेश्चन ही नहीं समझेगा एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है 21. So again again, आज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड था

स एंड कंट्रोल्स क्या बनाना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई बेर मिनिमम इतना काम करना पड़ेगा जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे प्रोग्राम को क्या करना पड़ सकता है ऑल्टर करना पड़ सकता है कुछ चीजें शायद इग्नोर करनी पड़ेगी कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी हमने क्या असिस्टेंट को एनकरेज करना चाहिए टू कीप एन ओपन माइंड येस उसे बोलिए आप ओपन माइंड रखिए कोई भी अगर आपको नए मैटर्स मिलते हैं अपने सीनियर्स को बताइए अपने प्रिंसिपल को बताइए पार्टनर को बताइए इन दिस केस हम चाहेंगे

मतलब इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों हाँ लास्ट में मेरे को कंक्लूजन लिखना पड़ता है मैं मानता हूं पर वो तो लिखना ही पड़ेगा ना यार केस स्टडी बना के दिया उसने पूरा वो, पर उसमें कुछ ग्रेट नहीं है वो खुद ही बोल रहा है एटीट्यूड है कि नहीं इतना बताने का है तो कंक्लूजन क्या लिख रहा, anything, value, रहा है तू उसमें यू आर नॉट राइटिंग एनी जस्ट राइटिंग द सेम थिंग फ्रॉम देयर ओनली हार्डली यू आर एडिंग एनी वैल्यू यू तो बोल रहे बस एक्सेप्टेबल नहीं है मतलब बेसिकली तीन नंबर किसका मिलने वाला है ये पॉइंट के मिलने वाला है

ऐसे disadvantages audit program discuss explaining the disadvantages मतलब please वो mechanical को explain मत करना बच्चे भी disadvantages लिखना copy paste है वैसे क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का वो तो खुद ही डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे समझा क्या पक्का एक कोई डिफिकल्ट वाला ढूंढता है जो तुमको परेशान करेगा ये वाला तो आंसर दे ही दोगे कल पढ़ाया था देखो जरा ऑडिटर ऑफ एम के पी फॉर द फर्स्ट टाइम्लिशिंग कल पढ़ाया था ना कंट्रोल से देखो क्या क्वेश्चन लिखा है मतलब क्वेश्चन वाला भी कंफ्यूज प्लानिंग एंड ऑडिट इनवॉल्व स्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर द

हंड्रेड sure पर से देखो आ, 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 प्लानिंग एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेवरल वेज एक्सप्लेन अरे वो इतना वर्ड बाय वर्ड मैच करता उसे तुमसे डर लगता तुम समझ नहीं क्योंकि मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा मतलब इधर कुछ भी लिख के लाएगा तो मैं जान के क्वेश्चन की लाइन में आखिरी में वही बोलूंगा जो इधर लिखा होगा हर बार जो पॉइंट के ऊपर वाली लाइन रहेगी ना वही क्वेश्चन होती है पूछा ना उसने थोड़ा समझा क्या तुम्हें मेहनत करनी पड़ती और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम बस वही है समझा क्या कैन वी गो नेक्स्ट लेट्स गो टू एस एन फाइव डन done एस ए 300. चलिए मेरा बात अभी। चैप्टर कॉल्ड एज सो वी आर डन कंट्रोल इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है थ्री वन फाइव जो हम आपको बताएंगे आज ही डिस्कस करेंगे I'll give you a good overview. सिर्फ ऐसे वाला पार्ट इसके अलावा जो मेजर फोकस है वो भाई

एक ही ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है दूसरा वाला मटेरियलिटी है ऑनेस्टली आई गिव यू इंपॉर्टेंट उतना पड़ा तो काफी है मटेरियलिटी का रेलिवेंस एग्जाम में बहुत कम होता है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम में ज्यादा पूछने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो मेजर पार्ट जो है वो थ्री वन फाइव रहेगा उसके बाद में एक ऐसे आएगा दैट इज कॉल्ड एज एसे थ्री थर्टी दैट इज कॉल्ड एस एसे थ्री इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स जो ऑडिटर के रहेंगे ना टू दसेस्ड रिस्क उसके लिए एक ऐसे होता है कॉल्ड ऐसे 330 पर पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे इज ऐसे 315 तो हमारा मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर थ्री खत्म हो जाएगा लेट्स गो टू ऐसे 315 आइए 315 के अंदर कैसे दिमाग लगाने का और क्या अप्रोच रखने का फर्स्ट द नेम ऑफ द एसे यहां पर ना दो चीजों में डिस्कशन होगा थ्री वन फाइव में पहले डिस्कशन होगा ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है इसमें भी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थ्री वन फाइव में इतना ही है प्लस द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क उसके लिए आपको आई आर C.R.D.R. डी आर तीन कॉन्सेप्ट इतना समझा थ्री वन फाइव खत्म इंटरमीडिएट लेवल पे यू शुड नो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यू शुड नो ऑडिट दैट इज आई आर सी आर डी आर इतना आया मतलब ऐसे थ्री वन फाइव वाला पार्ट तुम्हारे लेवल के लिए बहुत ज्यादा हो गया इसके अलावा बाकी सब डिटेल में सीए फाइनल में पूछा जाता है अच्छा नॉर्मली सीए फाइनल में भी आजकल क्वेश्चन ऑडिटर्स वाले पार्ट पे आई आर जनरली इंपॉर्टेंट होता है वहां पर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस थोड़ा तरीका अलग होता है बट अदर देन दैट कंसेप्चुअल पार्ट इज दिस मच ओनली कैन वी गेट स्टार्ट चलिए लेट स्टार्ट विद एस एन फाइव द नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट मतलब क्या है सर दर इज समथिंग कॉल्ड एज रॉन्ग वट इज रॉन्ग रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट मतलब सर चांसेस दैट देर कैन बी मटीरियल मिस्टेटमेंट अब सर वॉट इज अटेटमेंट सुनिएगा स्टार्ट सबसे पहले का मतलब होता है जो हमारा एप्लीकेबल एफ आर एफ बोलता है जो हमारा एप्लीकेबल एफ आर एफ बोलता है एंड जो हमने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं दोनों में क्या है डिफरेंस है दोनों में क्या है डिफरेंस है जो हमारा एफ बोलता है अगर मैं वैसे अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं जो हमारा एफ बोलता है मैं वैसे डिस्क्लोजर नहीं कर रहा हूं जो हमारा एफ बोलता है मैं वैसे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं मतलब एफआरएफ बोले तो आपका ए एस स्लैश इनडीएस प्लस शेड्यूल थ्री तो जो ये बोलता है अगर मैं वो ना करूं मतलब ए एस का नॉन कंप्लायंस करूं इन एस का नॉन कंप्लायंस करूं शेड्यूल थ्री का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो ना करूं मतलब ए एस टू जो बोलता है मैं वैसे इनवेंट्री का वैल्यूएशन नहीं करता ए एस टेन जो बोलता है मैं वैसे पीपीई को रिकॉर्ड नहीं करता वॉट एवर ए एस से वैसा अकाउंटिंग नहीं करता हूं मैं वैसा डिस्क्लोजर नहीं देता हूं मैं वैसा क्लासिफिकेशन नहीं देता हूं कैन आई से देयर इज अ मिसस्टेटमेंट यस तो मिसस्टेटमेंट का मतलब है जैसा एप्लीकेबल एफ आर एफ बोलता है एंड जैसा मैंने अकाउंटिंग किया है जैसा मैंने डिस्क्लोजर दिया है दोनों में क्या है डिफरेंस है डिफरेंस इज कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एस द डेफिनेशन मिस स्टेटमेंट क्लियर टू यू मिस स्टेटमेंट मटीरियल कब होगा एज अ ऑडिटर हम किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं यूजर्स के लिए अगर हमें लगता है कोई भी गलती मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को क्या कर सकती है इंफ्लुएंस कर सकती है क्या कर सकती है डिसीजन को इंफ्लुएंस तो वो गलती मेरे लिए क्या कहलाएगी मटीरियल मिस स्टेटमेंट कहलाएगी इज दिस क्लियर टू यू मिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लाइंग विध एफ आर एफ और यह गलती अगर लगता है मेरे यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है सो द मिस्टेक विल बी कॉल्ड एज मटीरियल मिस्टेटमेंट इज दिस क्लियर टू यू हम सर इस ऐसे में ढूंढने जा रहे हैं वो एरियाज जहां हमें लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है क्या ज्यादा है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नाउ व्हाट इज मटेरियल स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ गया हमें ढूंढना है किस किस एरिया में चांसेस ज्यादा है कि गलतियां हो सकती है इसे ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर लगाएंगे वो कहलाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो क्या कहलाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सुन लीजिए ऑडिटर वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस वॉट सर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट किधर किधर चांसेस हैं कि गलतियां मटेरियल हो सकती है इसे ढूंढने के लिए इसे असेस करने के लिए जो मैं प्रोसीजर लगाऊंगा दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट असेसमेंट प्रोसीजर नाम ही देखिए रिस्क रिस्क तो ऑब्वियसली पहले को ढूंढना पड़ेगा फिर क्या करोगे असेसमेंट करोगे कि भाई ये रिस्क मटेरियल है या नहीं है इधर चांसेस है मटेरियल स्टेटमेंट के या नहीं है ये तरीका कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सर क्या करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले सबसे कॉमन इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछोगे आपके बिजनेस में अलग क्या हो रहा है कंपनी के ऑडिटर से इंक्वायरी करोगे आप बात करेंगे उनसे, करेंगे. के जो के जो experts, उनसे आप मिलोगे हर अलग अलग लोगों से इंक्वायरी करके समझने का ट्राई करोगे कंपनी में क्या अलग हो रहा है कहां चांसेस कि गलतियां हो सकती है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले पहले आता है क्या आता है इंक्वायरीज रुक जाइए पहले जितना बताया उसको रीड करते हैं समझते हैं फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं मैंने आपको नोटबुक के अंदर एक डायग्राम दिया होगा वो डायग्राम को रेफर कीजिएगा एक बार के लिए ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहला पार्ट रहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहला पार्ट will be as risk वो हमारे कौन से ऐसे का पार्ट है थ्री वन फाइव का पार्ट है इसमें देखिए आपको कुछ नीचे लिस्ट बना के दी होगी क्या बना के दी होगी एक लिस्ट सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों लोग आ रहे हो आइडेंटिफाई करने के लिए एंड असेस करने के लिए क्या सर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट कहा है एंड कितना है इसके लिए जो प्रोसीजर लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रिस्क असमेंट प्रोसीजर यही ऐसे थ्री वन फाइव है यही ऐसे क्या है थ्री वन फाइव है नाम पढ़ेंगे मेरे साथ में थ्री वन फाइव का एक बार के लिए देखिए नाम एक बार आइडेंटिफाई कीजिए एंड असेस कीजिए सर क्या रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट कैसे करना है वो छोड़ दो अभी के लिए आइडेंटिफाई करना है एंड असेस करना है किसको रोम को इसके लिए जो प्रोसीजर आपको पढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमारे पास डायग्राम के अंदर वही था कि सर ऑडिट प्रोसीजर का पहला पार्ट होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वही हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है थ्री वन फाइव लिखा है इज दिस क्लियर टू यू पढ़े चलो नहीं चाहिए सर हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे आपको नोटबुक में देखो लिस्ट बनवा के दिया होगा यू कैन परफॉर्म इंक्वायरीज विथ द मैनेजमेंट और अदर्स वो पूरा लिस्ट आपको पढ़ाएंगे आप अलग अलग लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं कैन यू गो फॉर इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन मतलब क्लाइंट के प्लांट विजिट पे जाइए उनका ऑपरेशंस कहाँ हो रहा है वो देखिए उनके लोगों से मिलकर के बात कीजिए वहां समझिए इन्वेंट्री कहाँ रखा गया है रॉ मटेरियल कहाँ रखा है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कैसे हो रहा है पैकेजिंग कैसे हो रहा है डिस्पैच कैसे हो रहा है अलग अलग तरीके से प्लांट फैसिलिटीज को विजिट करके समझिए बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है लोगों से बात करके समझ में आएगा इस कंपनी में कहीं कोई गलतियां हो सकती है क्या अब देखो जो गलतियां होती है ना या तो इंटेंशनली होगी या अनइंटेंशनली होगी

रेफर नोट नंबर वन में डिटेल मिलेगी अभी के लिए पॉइंट नंबर टू को मार्क कीजिएगा ये हमेशा याद रहे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड्स इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट एंड विद अदर्स विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे मतलब करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर वेरिएंस एनालिसिस लगा सकते हो अनालिटिकल प्रोसीजर 520 का पार्ट है इसका पार्ट है 520 का। ये के, के लिए जाइए। पे काम कैसे हो रहा है उसे कीजिए, कीजिए। थोड़ा तीनों चीजें किसका पार्ट है रिस्क असमेंटर का पार्ट है इनका डिटेल मुझे किधर मिलेगा नोट नंबर वन में मिलेगा डिटेल मुझे किधर मिलेगा नोट नंबर वन में आइए इस एस के एंड में आपको मिलेगा नोट नंबर वन के एंड में आपको क्या मिलेगा नोट नंबर पेज नंबर वॉट इज इंक्लूडेड इन रिस्क का सस्पेंड कैन यू सी इंक्वायरीज अदर्स देखिए लिस्ट बना के दिया किस किस इंक्वायरीज करोगे इंपॉर्टेंट वर्ड वर्क कर दीजिए यू विल इंक्वायर विद द इंटरनल ऑडिट पीपल ऑफ द कंपनी इंक्वायर विद द

किस किस से आपने इंक्वायरी करनी चाहिए एक लिस्ट पता होनी चाहिए दिस कैन बिकम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। दिस कैन बिकम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फिर सर क्या हमने अनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए येस। अनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है डेफिनेशन बताएगा पहले पॉइंट नंबर बी मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अनालिटिकल प्रोसीजर इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अनालिटिकल प्रोसीजर सर रिस्क असेसमेंट मतलब प्लानिंग प्लानिंग फेज फेज है में आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो प्लानिंग फेज में आप एनालिसिस इसलिए कर रहे हो ये ढूंढना चाहते हो कुछ भी अनयूजुअल इवेंट्स है क्या कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है क्या जहां पर आपको लगता है रॉम ज्यादा हो सकता है आई नो आपको मैंने फाइव नहीं पढ़ाया है एक ट्राई करना चाहोगे आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे उसमें लुक फॉर एस ए फाइव ट्वेंटी यू लेव हैंड रिटन नोट्स उसमें लुक फॉर एस ए फाइव ट्वेंटी 520 नेम विल बी कॉल्ड एस एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स सिर्फ एक मिनट के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए एक सेंटेंस क्या है मिला क्या

राइट right, मेरे हिसाब से हेडिंग क्या लिखा है आपको टाइमिंग मतलब एनालिटिकल कब लगाया जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग में भी आता है एग्जीक्यूशन में, में भी आता है कंप्लीशन में भी आता है प्लानिंग में देखिए आपने नोट नंबर वन का रेफरेंस दिया होगा दिया है नोट नंबर वन का रेफरेंस आप जाकर के नोट नंबर वन के अंदर पढ़िए क्या लिखा है आपने हेंड रिटन नोट्स में रहेगा सब कुछ प्लानिंग फेज में अनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स जो आपको पहले पता नहीं होंगे मतलब बेसिकली एक तरीके से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढने में हेल्प करेगा किसको ढूंढने में हेल्प करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स ये ढूंढने के लिए आपको क्या हेल्प कर रहा है अनालिटिकल प्रोसीजर वही अनालिटिकल प्रोसीजर यहां लिखा हुआ है देखिए अनालिटिकल प्रोसीजर विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो हमें शायद इंडिकेट करेंगे कि ऑडिट में इंपैक्ट आ सकता है तो ये अनयूजल अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को ढूंढने में हेल्प करेगा मतलब कहां रोम ज्यादा हो सकता है उसे ढूंढने में आपको क्या करेगा हेल्प करेगा ये सेम चीज आपको 520 में प्लानिंग के अंदर नोट नंबर में लिखवा के मैंने दिया है इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा ये पढ़ते वक्त आप एक बार 520 को रिवाइज कर लीजिएगा पॉइंट नंबर बी एंड सी दो ही वर्ड ध्यान रखिएगा उससे आपको 520 का रिवीजन भी हो जाएगा बी में अनालिटिकल क्या डिफाइन किया है सी में उसका एग्जाम्पल दिया है कि किल प्रोसीजर प्लानिंग फेज में हेल्प करता है वो अनअवेयर अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप सेंटर

इंक्वाइरी दूसरा क्या आएगा अनालिटिकल प्रोसीजर तीसरा क्या आएगा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विटनेसिंग अ प्रोसेस इंस्पेक्शन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को चेक करना तो आप क्या करोगे एंटिटी के ऑपरेशंस को मतलब जहां पर काम हो रहा होगा उसे ऑब्जर्व करने जाओगे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगोगे उनसे कंट्रोल्स कैसे हैं आप लोगों okay. आप के आपके बिजनेस के स्ट्रेटेजीज क्या है मैनुअल्स क्या है आप लोग क्या क्या रिपोर्ट्स बनाते हो उनके प्रमाइस को देखोगे प्लांट एंड फैसिलिटीज के देखोगे. देखोगे इससे आपको समझेगा कंपनी के बिजनेस में कहां कहां क्या, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है दिस ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन विल ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब रिस्क असेस सिंपल चीज मेरे को आइडेंटिफाई करना है असेस करना है रॉम इसके लिए चाहिए प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उसमें क्या क्या आएगा इंक्वायरी Observation and inspection, and आएगा, analytical procedure. ये तीनों मुझे हेल्प करेगी इन आइडेंटिफाइंग एंडसिंग वॉट्स आर रॉन्ग इज यू इसमें इंक्वायरी पता होना चाहिए अलग से वही चीज स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर टू में लिख के दी थी ए बी सी एग्जाम के लिए बस इतना ही यू शुड नो का नहीं है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था इंटर के लिए सिर्फ पॉइंट नंबर टू इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर उतना ही तुम्हारे लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है

रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है ऑपरेशंस क्या है ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पैसा कहां से आया है कैसे वो लोग अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या स्ट्रेटेजीज क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था उससे आप रिव्यू कीजिए यह सबसे आपको बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगा इससे ही आपका रॉम का असेसमेंट कंप्लीट होगा मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये भी आता है इजाजत एग्जाम में वो बोलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है तो तुम क्या बोलोगे रिस्क असेसमेंट ड्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर है जो मुझे आइडेंटिफाई एंड असेस करने में हेल्प करेगा क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे होता है बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट तो हमने दोनों को स्प्लिट करके लिखा है क्योंकि इस पे पर क्वेश्चन अलग आएगा एंड रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन में क्वेश्चन अलग आएगा बट एक्चुअली में दोनों एक ही चीज है इज दिस क्लियर टू यू हमने उसे स्प्लिट कर दिया है बट वो दोनों एक ही साथ में कवर किए जाते हैं रीड दिस आंसर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट नोटबुक में लिखवा के दिया होगा

किस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एकस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है इंडस्ट्री ने कुछ अलग से हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के दिए हैं क्या जैसे आरबीआई बना के दे सकता है फॉर अ बैंकिंग कंपनी फॉर एनबीएफसी क्या सर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो हमें हमारे बिजनेस में अफेक्ट वगैरह कर सकती है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कम्स अप विद यू नो जीएसटी का डिफरेंट कंप्लायंस फॉर योर डेल्टा कॉर्पिनोल Dream event, Delta Corp. के लिए लिए का की वैसे notices आ गए थे। Can affect my way of doing the business? Yes. ये सब चीजें मेरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैंने समझने चाहिए ये आएगा अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के नंबर वन आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और क्या अदर फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं नंबर फोर को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट इज एट क्लियर टू यू फिर सर हमारे बिजनेस का नेचर क्या है मतलब हमारे ऑपरेशंस क्या है ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है पैसा कहां से हमने लिया है कहां पैसा इन्वेस्ट किया है हाउ वी आर फाइनेंस ये सब चीजें हमको आनी चाहिए पहले चार पॉइंट यू शुड बी अवेयर नोटबुक में लिखवा के भी दिया है इज आर क्लियर टू यू फिर आ गया ये सीधा जो हमारे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव है हमारे जो स्ट्रेटेजीज हैं क्या उनकी वजह से भी हमारे बिजनेस में कोई रिस्क आ सकता है मतलब इंडस्ट्री में सडनली कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है क्या जिसकी वजह से सारे बिजनेसिस जो उस इंडस्ट्री में है वहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है फॉर एग्जाम्पल दे में अलाउ एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आज तक एफ डी आई अलाउड ही नहीं था कैन आई से ऑल द प्लेयर्स इन दैट इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड इमीजिएटी फिर सर क्या हम इस इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना करके बेचना चाहते हैं कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट सर्विस बनाकर के बेचना चाहता है बिजनेस का एक्सपेंशन ये सब इंटरनल आपके स्ट्रेटेजीज होंगे या आपके एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स होंगे जो आपके बिजनेसिस को क्या करेंगे इंपैक्ट करेंगे इट्स लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मिंग योर पेस्टल एनालिसिस परफॉर्मिंग योर इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस वो एबीसी के अंदर एग्जांपल्स के फॉर्म में लिख के दिया है ये बिजनेस के स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है आपके स्ट्रैटेजी क्या है जिनकी वजह से आपके धंधे में रिस्क आ सकती है तो आप ऐसा कुछ एक्सपेंशन वगैरह कर रहे होंगे जिसके वजह से हमें लगता है तो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वही एक क्वेश्चन मार्क सिचुएशन में आ जाएगा प्रॉब्लम में आ सकता है

फिर फाइनेंशियल डेटा निकालेंगे उनका फोरकास्टिंग वगैरह चेक करेंगे क्रेडिट एजेंसी की रिपोर्ट क्या कंपनी के बारे में वो चेक करेंगे आपके अलग अलग रेशियोज क्या ट्रेंड्स क्या है वो चेक करेंगे इससे आपको कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा ये सब कुछ किसका पार्ट है रिस्क असेसमेंट का ही पार्ट है बट इसको हम क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट रियल लाइफ में दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट हंड्रेड द प्रॉब्लम फॉर यू इज देव इंक्लूडेड दिस नाउ एज एक्साम्पल इन योर सिलेबस नाउ अंडरस्टैंडिंग इज ओके बट हाउ दिल आस्कूम एंड रिव्यूल परफॉर्मेंस क्या चीज कंसिडर करेगा बोल एग्जाम्पल लिख के दे जिधर एग्जाम्पल में चार पॉइंट मिल गया ना आई आएगा पूछने में। इसलिए बोल रहा हूं एक्साम्पल नंबर थ्री को माक कीजिए इंपॉर्टेंट फोर में फाइव में जो एग्जाम्पल लिखे उसे भी माक कीजिए इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल पढ़ के जाओ ये एग्जाम्पल छोड़ दो कुछ ग्रेट नहीं इसके अंदर कंटेंट ऊपर ही अच्छा है नेचर ऑफ एंटिटी क्या होती है वो पढ़ के जाओ ऊपर पॉइंट नंबर फोर के एग्जाम्पल्स पढ़ के जाओ एमसीक्यू करेक्ट इन करेक्ट या चार मार्क क्वेश्चन जेन्युनली आई से पूछ सकता है इज द यू शांति से भी थ्री वन फाइव नाम क्या है आइडेंटिफाइंग एंड असैसिंग वॉट सर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ क्या लगाओ रिस्क असमेंट प्रोसीजर उसके अंदर क्या आता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट सो आई शुड नो वॉट इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड आई शुड नो व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें तीन चीजें आदि क्या क्या इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन समझा क्या सरी, हम पूरा क्यों कर रहे हैं हम ढूंढना चाहते हैं किधर रिस्क ज़्यादा द रिमेनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब आप ये पता है क्यों करना चाहते हैं आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर बराबर से लगा लें तो आप बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर से डिजाइन कर पाएंगे रिस्क असेसमेंट के बाद में आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम में ये खत्म होने के बाद में आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज टू दी रिस्क ये कौन से ऐसे में आएगा थ्री थर्टी में वो 315 का पार्ट नहीं है वो कौन से ऐसे में चले जाएगा थ्री थर्टी में चले जाएगा थ्री वन फाइव ओनली टॉक्स अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज दिस क्लियर टू यू अच्छा हमें रिस्क जो है वो दो लेवल पे मिलती है एक कहलाती है रिस्क एट अ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ए रिस्क जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है एंड दूसरी रिस्क कहलाती है असर्शन लेवल असर्शन लेवल मतलब कोई ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करेगी कोई अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करेगी या किसी डिस्क्लोजर को अफेक्ट करेगी मतलब माय रिस्क कैन बी एट ओवरऑल लेवल एंड एट माय असर्शन लेवल इज दिस क्लियर टू यू पक्का अब आइए एक पैराग्राफ को पढ़िए आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री वन फाइव सर एज पर ए सी थ्री वन फाइव आईडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क मोटेल स्टेटमेंट कैसे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रॉम चाहे वो गलती फ्रॉड की वजह से हो रही है या एरर की वजह से हो रही है गलती का इफेक्ट या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होगा या असर्शन लेवल पे होगा इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट ताकि हम क्या दे पाएंगे एक बेसिस दे पाएंगे किस चीज के लिए फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मार्क द वर्ड रेस्पॉन्सेस टू द अस्ट्रेस ये रेस्पॉन्सेज कहां पर आएगा ऐसे थ्री में क्या थ्री कनेक्ट कर रहा है अभी थ्री थ्री वन फाइव कनेक्ट कर रहा है विद सुनिए आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कैसे थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा क्या ताकि हमें पता चलेगा गलतियां ओवरऑल लेवल पे क्या हो सकती है एंड असरशन लेवल पे क्या हो सकती है ताकि हम डिजाइन कर पाए हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट विल बी से होगा? 315. बिना 315, 330 नहीं आ सकता है तुमने अगर रिस्क ढूंढा ही नहीं तो रेस्पॉन्स कैसे डिजाइन करोगे तुम्हें मालूम ही नहीं अगर ज्यादा है कि कम है तो अमाउंट टेस्टिंग कितना करो कैसे डिसाइड करूंगा हा या ना यस और नो इज दिस मुझे थ्री वन फाइव में क्या आना चाहिए रिस्क असमेंट प्रोसीजर में आती है तीन चीजें इंक्वायरी विद लॉट ऑफ पीपल नंबर टू एनालिटिकल प्रोसीजर नंबर थ्री प्रोसेस जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना प्लस इंस्पेक्शन करना सर ये साथ साथ में हमको क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट ये दोनों चीजें क्या कहलाती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो मुझे आइडेंटिफाई एंड असेस करने में हेल्प करेगा क्या रॉन्ग किधर किधर हो सकता है ओवरऑल लेवल पे हो सकता है एंड असरशन ओवरऑल मतलब ऐसी रिस्क जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करेगी एग्जाम्पल मेरे को मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट है इसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा मेरे को परचेज मैनेजर पर डाउट है तो इंपैक्ट परचेजेस में ही आएगा सो इंपैक्ट कैन बी ऑन एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंपैक्ट कैन बी ऑन वन और टू एरियाज ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क विल बी कॉल्ड एज पर रिस्क रिस्क विल बी कॉल्ड एज रिस्क असर लेवल वाली रिस्क रिस्क नहीं होती है समझा क्या दिस इज योर एसे थ्री वन फाइव ब्रॉडर ऊपर का इतना पता होना चाहिए एक चीज और है दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क दैट इज कॉल्ड एज आइए थ्री वन फाइव में दिस इज डन दिस इज डन अंडरस्टैंडिंग दी एन एस एनवाइ इज डन रिस्क दो लेवल में मिलेगी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल असर्सन लेवल नेक्स्ट रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क जहां पर आपको लगता है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मतलब स्पेशल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ये लिस्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा जब हमको लगता है देर कैन बी ए फ्रॉड वाला रिस्क तो हमें वो सिग्निफिकेंट रिस्क लगेगा जब हमें लगता है यहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हैं या सर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में है या सर अनयूजल ट्रांजेक्शन है पहले कभी हुए ही नहीं है या सर यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है मतलब यहाँ पर क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिस्क कौन सा है सिग्निफिकेंट रिस्क है आपको डिटेल में काम करना ही पड़ेगा दिस रिस्क इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क इट विल रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन नोटबुक में भी ये लिखवाया हुआ है आई थिंक दिस इज पॉइंट नंबर सिक्स फाइव रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन हैंड रिटन नोट थ्री वन फाइव के अंदर पॉइंट नंबर फाइव रहेगा पढ़ लीजिएगा यह पता होना चाहिए दिस क्लियर टू यू एक सेंटेंस और आता है वो बोलता है कभी कभी रिस्क इतना ज्यादा हो सकता है कि सिर्फ सब्सटैंटिव अमाउंट टेस्टिंग भी क्या नहीं होगा सफिशियंट नहीं होगा क्योंकि सर इन अ बैंकिंग कंपनी बिना कोर बैंकिंग सोल्यूशन समझे ट्रांजेक्शन कितना भी चेक करो फायदा नहीं है इट्स लाइक आई टी कंट्रोल चेक करने ही पड़ेंगे सो देर कैन बी रिस्क फॉर विच सबस्टैंडिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्योंकि यहां पर आपका डिपेंडेंसी ऑन आईटी कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है क्या है डिपेंडेंसी ऑन आईटी कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है तो आपको वो चेक करना ही पड़ेगा सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सर यहां पर कंट्रोल्स के अंदर ही मेजर चीजें इंटीग्रेटेड है बिना कंट्रोल टेस्टिंग के अमाउंट टेस्टिंग आप नहीं कर सकते हैं दैट इज वेर वी विल से रिस्क फॉर सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट मतलब सिर्फ सब्सटैंड से ही सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा का डिजिटल ऑडिट में पढ़ाया था वेरी गुड इज दिस क्लियर टू यू 315 के अंदर ऑडिट प्रोसीजर साइड में इतना ही आपको आना चाहिए अब 315 का बचता है दूसरा साइड दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क 15 मिनट लगेगा खत्म कर देते हैं 315 कंप्लीट ही हो जाएगा आज का तो आपका 300 315 दोनों मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा

मास्टर इंक्रीज करना अतुल को बेच के ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या स्टेटस है तुम्हारा नहीं सोते रहे जो रिविजन देख रहा है वो उसको सोने का स्कोप नहीं उसकी नींद ऑलरेडी उड़ चुकी है इसलिए वो ये देख रहा है सोना होता तो वो अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं करता इसके अंदर बराबर के नहीं जो अभी सुन रहे हैं मतलब उसको ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है

जो तुमने ओपिनियन दिया वो गलत हो जाएगा अरे क्यों कम करके रखा था इतना अच्छा लग रहा है ऑडिट में एक ही रिस्क है जो तुमने ओपिनियन दिया जो तुमने कंक्लूजन दिया वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसमें वो क्लियरली बोलते हैं एक ही सिचुएशन आती है क्या सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर तुमने देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन तुमने दिया क्लीन ये कहलाता है ऑडिट रिस्क मतलब यू हैव गिवन अ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब गलत ओपिनियन दिया है दिस रिस्क इज कॉल्ड इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है दिमाग लगा क्यों नहीं आता नहीं अभी मैं बताऊंगा ही नहीं अभी तुमको बताऊंगा नहीं आता है। क्यों नहीं आता फाइनली में देखेंगे समझ रहे हो अभी तक समझ गया होगा नहीं समझा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है तुम्हें भिला इतना दिमाग लगाने का है ऑडिट रिस्क इंक्लूड्स ओनली वन सर्कमस्टें रिस्क ऑफ गिविंग अ इनअप्रोप्रिय ओपिनियन दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिस्टेटेड व्हाइल यू हैव एक्सप्रेस इट्स अ क्लीन ओपिनियन दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क पढ़िए अगर नोटबुक्स में लिखा हुआ है आपके सामने तो बढ़िया बात है वरना जो मैं मार्क करता हूँ वो सेंटेंस को रीड कीजिएगा ऑडिट रिस्क मीन्स दैट द ऑडिटर गिव्स एन इन ऑडिट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड इन अदर वर्ड्स ऑडिटर ने एक्सप्रेस किया है अन मॉडिफाइड जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है मटीरियली मिस्टेटेड मतलब उसने देना क्या चाहिए था मॉडिफाइड उसने दे क्या दिया है अन सर कैन आई से ये रिस्क बहुत सीरियस है ऑडिटर के लिए हाँ दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क अब सर ये क्यों होगा या तो सर आपको मटल में स्टेटमेंट मिले ही नहीं इसलिए आपने बोला क्लीन ओपिनियन या तो आपको मटल में स्टेटमेंट मिले ही नहीं इसलिए आपने क्या दिया क्लीन ओपिनियन मटल स्टेटमेंट क्यों नहीं मिले ढंग से काम नहीं किया होगा तुमने तो सर ऑडिट किस किस पे डिपेंडेंट होती है तीन वर्ड्स आएंगे एक आएगा आई आर दैट इज इनहेरेंट रिस्क दूसरा आएगा सीआर दैट इज कंट्रोल रिस्क एंड तीसरा आएगा डीआर दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क पहले इन दोनों वर्ड्स को पढ़ते हैं आई आर एंड सी आर ये दोनों किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है सुनिएगा हर बिजनेस में मैनेजमेंट क्या सोचता है समझिए अगर हम लोग कंट्रोल्स नहीं लगाते तो हमारे बिजनेस में किस किस एरिया में गलतियां हो सकती है गलतियां मतलब मिस्टेटमेंट्स अब गलतियां क्यों होगी या तो बिकॉज ऑफ फ्रॉड और बिकॉज ऑफ एरर यस और नो तो मैनेजमेंट सोच रहा है अगर मैं कंट्रोल ना लगाऊं तो परचेज में क्या गलत हो सकता है सेल्स में क्या गलत हो सकता है तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है आपके किसी एरिया में अकाउंट बैलेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट हो सकते हैं अगर आप क्या नहीं लगाएं इंटरनल कंट्रोल्स ना लगाएं ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है मैनेजमेंट पहले सोचता है मेरे किस किस बिजनेस में किन किन एरिया में गलतियां हो सकती है जिसके लिए शायद हमें क्या लगाना चाहिए कंट्रोल लगाना चाहिए मतलब अगर कंट्रोल नहीं होते तो क्या गलत हो सकता था रिस्क इज कॉल्ड एस रिस्क एक वर्ड होता है ससेप्टेबिलिटी क्या वर्ड होता है ससेप्ट ससेप्टेबिलिटी का मतलब समथिंग विच इज प्रोन टू मतलब हम बोलते हैं देर इज अकाउंट बैलेंस इट इज प्रोन टू एरर्स इट इज प्रोन टू एरर्स बहुत कैश इन हैंड रखोगे तो गलतियां होगी नहीं यार अब वो चोरी करने का तुम सामने वाले को मौका दो गई तो चोरी कभी ना कभी हो ही जाएगा ना यार सो यू शुड इंश्योर दैट कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए कि लोगों को मौका ही ना मिले गलतियां करने के तो क्या इसे कंट्रोल नहीं होते तो गलतियां हो सकती है क्या तो सर किस एरिया में चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के अगर क्या नहीं होते कंट्रोल्स नहीं होते इसी को फैंसी लैंग्वेज में लिखा है इनहेरेंट रिस्क पढ़िए मेरे साथ में वॉट इज इनहेरेंट रिस्क अच्छा मिस स्टेटमेंट क्या होता है ऑलरेडी बताया आपको मैंने बच्चों यस और नो तो so, मैं सीधा काम की बात पे जाता हूं सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ इनहेरेंट रिस्क इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन अकाउंट बैलेंस और अ डिस्क्लोजर दैट देयर कैन बी अ मिसस्टेटमेंट ससेप्टेबिलिटी मतलब माय एरिया इज प्रोन टू मिसस्टेटमेंट माय एरिया इज टमेंट कि भाई वहां पर गलती होगी चाहे वो मटीरियल इंडिविजुअली हो या वेन एग्रीगेटेड देखो गलती मटीरियल इंडिविजुअली हो या सब गलतियों हमें ओपिनियन किस पे देना है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक एरिया पे ओपिनियन थोड़ी देने का यार इन्वेंट्री में गलती मटेरियल नहीं होगी बट वेन सारी गलतियां अलग अलग एरिया के मैं इकट्ठा कर लू कैन दे स्टिल भी कम मटेरियल में स्टेटमेंट येस तो सर सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और अलोजर टू अस्टेटमेंट मतलब माई ट्रांसैक्शन स्टेटमेंट माई अकाउंट बैलेंस इज प्रोन टू अम स्टेटमेंट प्रोन टू मतलब गलतियां हो सकती है चाहे वो गलती इंडिविजुअली मटीरियल हो या सब गलतियों के साथ में एग्रीगेट करने के बाद मटीरियल हो पर एक चीज को माफ कीजिएगा बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी मतलब यहां पर आप सोच रहे हो कब गलतियां हो सकती है अगर क्या नहीं होते कंट्रोल्स नहीं होते दिस रिस्क इज कॉल्ड एज इनहेरेंट रिस्क दिस रिस्क इज कॉल्ड एज इनहेरेंट पता ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्योंकि कंट्रोल्स तो होने ही चाहिए ना बट एक बात सोचो अगर मैं बोलता हूं कंपनी के अंदर अपने मैनेजमेंट से पूछा देर आर दीज रिस्क और आपके इनके कंट्रोल्स हैं अगर मैं शुरुआत करता हूं ना कंट्रोल से कंट्रोल्स क्या क्या है उन्होंने बोला ये, ये तो तो नहीं चलेगा क्या कोई कंट्रोल मिसिंग है, जिसके लिए है। so, तो सोचो अगर कोई भी कंट्रोल नहीं होते तो मैं बोलूंगा ये सब रिस्क है अब पूछूंगा सबके लिए कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या अगर मैं बोलता हूं पांच रिस्क है चार कंट्रोल है मतलब कोई तो ऐसा कंट्रोल नहीं है इसीलिए कंट्रोल से रिस्क मत आओ रिस्क से कंट्रोल पे जाओ इसीलिए रिस्क में इन्यूम करा कंट्रोल है ही नहीं रिस्क में क्या अज्यूम कंट्रोल है ही नहीं कंट्रोल लगाएगा कौन मैनेजमेंट तो पहले मैनेजमेंट ये रिस्क को ढूंढ करके रिड्यूस करने के लिए क्या लगाएगा कंट्रोल लगाएगा क्या लगाएगा कंट्रोल लगाएगा देखो नेक्स्ट चीज क्या है कंट्रोल रिस्क नेक्स्ट रिस्क क्या है कंट्रोल रिस्क सुनो कंट्रोल क्यों लगाते हैं गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए करेक्ट करने के लिए अगर मैं बोलू कंट्रोल लगाया है बट वो प्रिवेंशन नहीं कर पा रहा है या गलतियों को डिटेक्टिंग करेक्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या ना इसे कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा मतलब गलतियां हो जाएगी दिस रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क रीड द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क एकदम सिंपल है कंट्रोल जिस परपज के लिए लगाया है कंट्रोल वो काम नहीं कर पाएगा देखो कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ अटेटमेंट कुड ऑकर किधर किधर सेम चीज ट्रांजैक्शन में अकाउंट बैलेंस में या डिस्क्लोजर में शायद वो गलती सेम सेंटेंस इंडिविजुअली मटेरियल है या व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मटेरियल होगा फर्क नहीं पड़ता है बट पड़ सर क्या वो गलती ढूंढ नहीं पाएगा मतलब दे विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट अ अ मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑन अ टाइमली बेसिस कंट्रोल क्यों लगाया था गलती को प्रिवेंट करने के लिए वो ये नहीं कर पाएगा द रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क कंट्रोल क्यों लगाया था गलती को डिटेक्ट करने के लिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कैन आई कॉल द रिस्क एज कंट्रोल रिस्क यस

तो हमारा इनहेरेंट रिस्क तो ऑलरेडी ज्यादा रहेगा क्योंकि उधर तो आप बोल ही रहे हो ना कंट्रोल नहीं है इसके लिए गलतियां हो सकती है दिस इज ऑलवेज हाई दिस इज ऑलवेज हाई क्योंकि इधर कंट्रोल है ही नहीं क्योंकि इधर कंट्रोल है ही नहीं तो कैन वी से इनहेरेंट रिस्क को ढूंढ करके लो किया जाता है बाई डिजाइनिंग गुड कंट्रोल्स By designing good controls. मतलब इस इनर इंटरस को कम करने के लिए बोल रहा है ना बिफोर कंसिडरिंग डिजाइन कंट्रोल ताकि रिस्क क्या हो जाएगा कम सुनो परचेज में गलतियां हो सकती है क्यों हो सकती है परचेज प्रोसेस नहीं है तो परचेज प्रोसेस लगाओ ना यार तो परचेज में रिस्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो कहना इसे परचेज में इन इंटरेस्ट ज्यादा है कंट्रोल लगाओगे तो परचेज का रिस्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो कंट्रोल बढ़िया होने से इन इंटरेस्ट कम हो जाता है क्या अरे कंट्रोल बढ़िया होने से कम हो जाता है क्या क्योंकि इन रिस्क का मतलब क्या है अगर कंट्रोल नहीं होते तो किस किस एरिया में क्या गलत हो सकता है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा इसे कम रखना पड़ता है कौन रखेगा कम मैनेजमेंट कंट्रोल कौन लगाएगा मैनेजमेंट सो सुनिएगा इनर रिस्क इज जनरली हाई कंट्रोल अच्छे हुए तो कंट्रोल रिस्क भी कम होगा एंड इनर रिस्क भी कम हो जाएगा मतलब कंट्रोल रिस्क जैसा रहेगा इनर रिस्क वैसा ही अडेप्ट कर लेगा सो इफ वी से बी कॉम लेवल तरीके से समझा रहा हूं सुन लीजिएगा हाई अब सर बात आती है इंटरनल कंट्रोल्स की कंट्रोल्स दो हो सकते हैं गुड और बैड बी कॉम लेवल बोल रहा हूं इट शुड बी रिलायबल और नॉट रिलायबल If controls controls are are reliable reliable, reliable, or not can I say control risk will be low? हाँ इसकी वजह से जो आपका आई आर है वो भी क्या हो जाएगा लो हो जाएगा कंट्रोल्स आर बैड दैट मीन दे आर नॉट रिलाई कंट्रोल रिस्क विल बी हाई यस और नो इसकी वजह से विल आई आर रिमेन हाई सिंपल सा आई आर एंड सी आर साथ जाते हैं दोनों का नॉर्मली क्या करना चाहिए कंबाइंड असेसमेंट करना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में मैनेजमेंट धंधा कौन चलाएगा मैनेजमेंट इन ढूंढेगा कौन मैनेजमेंट कंट्रोल कौन लगाएगा मैनेजमेंट कंट्रोल बढ़िया हुआ तो कंट्रोल डिस्क अपने आप कम हो जाएगा कंट्रोल कम हो जाएगा तो उस एरिया में गलती होने का चांस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो कहना इसे ऑडिटर जनरली क्या करता है कंबाइंड असेसमेंट करता है सो so, वो तो या बोलेगा आई आर प्लस सीआर इज हाई या बोलेगा आई आर प्लस सी आर इज लो वो जनरली दोनों का क्या करता है कंबाइंड असेसमेंट ही करता है क्यों ऐसा क्योंकि कंट्रोल्स की वजह से आई आर बदल जाता है कंट्रोल्स की वजह से क्या बदल जाता है आई आर बदल जा आई आर क्या है अगर कंट्रोल नहीं होते तो क्या क्या गलत हो सकता है इसके लिए क्या अच्छे लगाए, लगाए जाते हैं कंट्रोल लगाए जाते हैं समझा क्या रिलेशनशिप बिटवीन आई आर एंड सी आर ऑडिटर सिर्फ समझेगा असेस करेगा कुछ कर नहीं सकता है न तो वो बिजनेस बदल सकता है न वो कंट्रोल बदल सकता है वो कंट्रोल को चेक कर सकता है को समझ सकता है तो ना इसे आई आर एंड सी आर दोनों किसके कंट्रोल में मैनेजमेंट के कंट्रोल में ऑडिटर के, के कंट्रोल में एक ही रिस्क है कौन सा डिटेक्शन रिस्क सुनिए ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर लगाना चाहेगा कि सारी गलतियां उसको क्या हो जानी चाहिए मिल जानी चाहिए पर जरूरी थोड़ी ना हर बार उसको सारी गलतियां मिल जाएगी क्या इसे थोड़ा तो थो नेगेटिव सोचना पड़ेगा ना यार तो डिटेक्शन में एक ही नेगेटिव है तुमने जो प्रोसीजर लगाए उससे तुम्हें सब गलतियां मिलनी चाहिए थी कुछ गलतियां नहीं मिलेगी कैन आई से दैट रिस्क 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 इज इज कॉल्ड एज डिटेक्शन ऑडिटर ऑडिटर टू डिटेक्ट ऑल मटेरियल द मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट ऑल मटीरियल मिस्टेटमेंट दैट रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क पढ़िए डिटेक्शन रिस्क का डेफिनेशन क्या बोलता है सर अ रिस्क दैट जो प्रोसीजर ऑडिटर लगाएगा विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट स्टेटमेंट जो मटेरियल हो सकते हैं मतलब ऑडिटर के प्रोसीजर कुछ गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जो गलतियां क्या हो सकती है मटेरियल हो सकती है एक बार सोचिए शांति से मैंने बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर लगाए फिर भी कुछ गलतियां नहीं मिली मतलब देरार मटीरियल में स्टेटमेंट में ढूंढ नहीं पाया तो मैं क्या ओपिनियन दे दूंगा क्लीन जबकि आना क्या चाहिए

ऐसे फाइव थर्टी में आएगा कि तुमने सैंपलिंग लगाया और तुम्हारा सैंपलिंग ढंग से नहीं लगा पाए इस वजह से तुम्हारे सैम्पलिंग कुछ गलतियां ढूंढ नहीं पाया क्योंकि सब में है। के अंदर सारे नोट्स लिखवा के दिए इज समस्ट नॉन सैंपलिंग रिस्क मतलब तुम्हें गलतियां नहीं मिली पर इस बार गलती की नहीं थी तुम्हें गलती दिखी नहीं या तुम्हें गलती मिली तुम बोले मटेरियल नहीं है तुम्हारा जजमेंट गलत हो गया कहना इस बार भी गलती हुई है बट इस बार गलती किसकी नहीं है सैम्पलिंग की नहीं है इस बार गलती तुम्हारी खुद की है सो so, अगर तुम्हारा ओपिनियन अभी भी गलत होता है बट इस बार सैम्पलिंग गलत नहीं है सो द रिस्क इज कॉल्ड एज नॉन पर कुछ भी बोलो दोनों का इंपैक्ट इसमें आएगा डिटेक्शन रिस्क पे आएगा और दोनों का इंपैक्ट इस पे आएगा डिटेक्शन रिस्क पे क्योंकि मैं कुछ गलतियां ढूंढ नहीं पाऊंगा इज द मीनिंग ऑफ आई आर सी आर डी आर क्लियर टू यू थोड़ा बहुत समझ में आया क्या पक्का अब एक बात शांति से सोचिए अगर मैं बोलता हूं ढंग से ऑडिट रिस्क मतलब क्या है आई विल गिव अ रॉन्ग ओपिनियन आई विल गिव अ रॉन्ग ओपिनियन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड स्टिल मैं क्या दे दूंगा क्लीन ओपिनियन स्टिल मैं क्या दे दूंगा क्लीन ओपिनियन ऐसा कब होगा जब हमें लगता है there is a high chance of material misstatement there is a high chance of material misstatement but auditor kya dhoond nahi paya galtiyan dhoond nahi paya there is a high chance of material misstatement but auditor kya dhoond nahi paya galtiyan dhoond nahi paya can i say detection this case not detecting a material misstatement आप गलती नहीं ढूंढ पाए रिस्क डिटेक्शन रिस्क right? Can I say यही तो हमारे ओपिनियन को इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर ऐसा होगा कब जब मटेरियल स्टेटमेंट होंगे तो जिस जिस एरिया में रॉम ज्यादा होता है अगर मैं ढंग से काम ना करूं तो मुझे गलतियां नहीं मिलेगी और गलतियां नहीं मिलेगी तो मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कहना इसे ऑडिट रिस्क के लिए इंपैक्ट किस किस का आएगा पहले रॉम का आएगा पहले ढूंढो किस एरिया में चांसेस ज्यादा है फिर उस एरिया में ढंग से काम करो अगर यही नहीं ढूंढा तो काम कैसे ढंग से करोगे ना से इसीलिए ऑडिट रिस्क इज डिपेंडेंट अपॉन रॉम एंडेडमेंट तुमने बोला आई आर में क्या बोला गलतियां हो सकती है कौन सी वाली मटीरियल अगर क्या नहीं होते कंट्रोल नहीं होता कैनाई से आर किस पर डिपेंडेंट सी आर पे डिपेंडेंट है अगर सी आर इज हाई तो विल आई आर विल बी हाई दोनों आई आर प्लस गलतियां ढूंढनी पड़ेगी इधर चांस अगर ज़्यादा है होने के तो डिटेल में काम करो ताकि आप ढूंढ पाओ तो कहना इसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है इसके लिए समझना पड़ेगा ओपिनियन गलत तब होता है जब आप गलतियां ना पाओ गलतियां कब ना पाओ जब गलतियां हो उसके लिए शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट क्या रोम उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कंट्रोल्स तो मतलब सोचो किधर किधर इनरेंट रिस्क है फिर चेक करो कंट्रोल कंट्रोल बढ़िया है तो बोलेंगे कंट्रोल रिस्क इज लो कंट्रोल्स आर वीक तो कंट्रोल रिस्क इज हाई सी आर इज हाई तो आई आर बी ऑल्सो हाई डिटेल में काम करो टू कीप डिटेक्शन रिस्क एज लो एज पॉसिबल ऑडिटर हमेशा चाहेगा उसका ऑडिट रिस्क जितना लो हो सकता है उतना बढ़िया हो जीरो तो नहीं हो सकता है कोई भी ऑडिटर नहीं बोल सकता ओपिनियन गलत हो ही नहीं सकता है हाँ या ना पर उसने बोलना चाहिए मैंने वो सब ट्राई किया है जिससे मेरे को मैं लेके गया हूं लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे लेके गया हूं समझा क्या कुछ सेंटेंसेस को मार्क करता हूं उन्हें रीड कीजिए वही मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है उतना अगर आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा इससे ज्यादा सॉरी रिविजन में नहीं बता सकते बेटा क्योंकि जितना भी बात करेंगे कम है दिस विल रिक्वायर फार मोर एक्सप्लेनेशन इतना काफी है मेरे हिसाब से जो बोलता हूं फॉलो कीजिए वन बी पॉइंट ट्वेंटी सेवन पॉइंट नंबर वन एंड टू डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क इज वन एंड टू क्लियर टू यू फिर नीचे आ जाइए कैन यू सी पॉइंट नंबर फाइव

बताया कि नहीं बताया है रोम में क्या क्या चीज आती है दो चीज आती है एक आता है आई आर एक आता है सी आर क्या क्या आता है आई आर एंड सी आर नीचे देखो कहना सी इन रिस्क पॉइंट नंबर वन को मार्क करना डेफिनेशन आना चाहिए ये सब नोटबुक में लिखवा के दिया है मैंने आपको फिर भी इनर इंट रिस्क पॉइंट नंबर वन को मार्क कीजिएगा बाकी सब इग्नोर कर दो सब इग्नोर कर दो सीधा आ जाओ कंट्रोल रिस्क डेफिनेशन पॉइंट नंबर वन आना चाहिए ठीक है पॉइंट नंबर थ्री आना चाहिए एंड फोर आना चाहिए पढ़ के देखो दोनों अभी कभी थ्री एंड फोर पढ़ के देखो अरे कंट्रोल बढ़िया हुए तो रिस्क कम हो जाएगा ना यार एक कंट्रोल ही बोल रहे हैं इफ कंट्रोल्स आर इफिशेंट कंट्रोल्स बढ़िया है तो कहना है इसे कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा देखो

दोनों फाइव थर्टी में दिए ऐसे फाइव थर्टी में मार्क कर दीजिए दोनों का डेफिनेशन मिल जाएगा ठीक है एमसीक्यू के लिए पॉइंट नंबर फाइव एंड सिक्स ऑडिटर सिर्फ क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है डिटेक्शन रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है आई आर एंड सीआर करता है कंपनी का मैनेजमेंट तो ऑडिटर ने क्या रिड्यूस करना चाहिए सिर्फ डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि ऑडिटर के कंट्रोल में एक ही रिस्क है दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क कंट्रोल में आएगा सर मैनेजमेंट के कंट्रोल में डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे कुछ नहीं काम ज्यादा करोगे यार

तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा रेप्यूटेशन लॉस हो जाएगा लोग तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे पेटीएम के ऑडिट अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे लोग कुछ भी बात करते हैं कुछ भी नहीं है मतलब ये सब नहीं होता एक ही है मैंने दिया गलत ओपिनियन वो भी एक ही है कब आपने देना चाहिए था मॉडिफाइड दिया क्लीन एवरीथिंग एल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स तुमको केस कोई फाइल कर देगा तुम्हारा नेटवर्क एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगा फिर सर कोई देखो कि कि आपने दे दिया दिया होगा जबकि आना आना चाहिए चाहिए था था ऐसा होता ही ही नहीं है 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 वो कर रहा है। रिस्क एक ही है कि भाई तुमने बाकी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है इसको कर लीजिएगा एसक्यू वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क अलग से आ सकता है बाकी ये समझाने का ट्राई किया आपको मैंने ROM and DR, ROM is equal to so IRCR from about to IRCR DR. अब ये देखो ज़्यादा दिमाग लगाओ मत समझने का। ये conclusion है, this is what you should know. You should try your brain once again in your finals. यार तो normal regular time में समझना चाहिए था, अब इसी दर करक्रक्ष पता, definition आना चाहिए। ऑडिटर के कंट्रोल में कौन सा रिस्क है आई आर सी में है ही नहीं रिलेशनशिप क्या है वो पता होनी चाहिए। इतना बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से फॉर योर अवेयर व्यू ऑफ एस एन फाइव सो वी आर डन विद एस एंड्रेड एंड एस एन फाइव ऑल्सो इज द इंडेक्स फॉर टू मिनट्स विल टेक ब्रेक

डन विथ वन टू थ्री सिक्स कंप्लीटली ऑडिट रिपोर्ट वे डन विथ एस ए सेवन हंड्रेड सेवन जीरो फाइव सेवन जीरो सिक्स सेवन जीरो वन आपको एक ओवरव्यू दे, दे देंगे अदर देन दैट जो मेजर पार्ट था एस एस के पॉइंट व्यू से वो खत्म हो गया है चैप्टर नंबर इलेवन इसमें आपके एस ए टू ट्वेंटी भी कवर हो गया है एंड एस क्यू सी भी कवर हो गया है दिस इज ऑल्सो डन मतलब अब मेरा जो थोड़ा फोकस रहेगा पहले रिमेनिंग इस वीक में जो मुझे कंप्लीट करने हैं सो आल ट्राई टू कवर योर 560, 70 एंड 80 जो आपके चैप्टर नंबर सेवन के अंदर आएंगे पहली बार आईसीआई ने क्या किया आपको देता हूं एक बार रेफरेंस के लिए यू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट जहां मेरा मेजर फोकस रहने वाला है देखिए आईसीआई के ही मॉड्यूल में आ गया हूँ सेक्शन वाइज बेटेज दिस इज डन थ्री हंड्रेड इज डन इन डिटेल रिस्क इंटरनल कंट्रोल ऑडिट रिस्क क्या है रॉम क्या है ना सब सिंपल है इसमें डिजिटल ऑडिट हो गया थ्री वाइव वाला पार्ट हो गया एक चीज जो पढ़ाएंगे आपको दैट इज एस एम्पोर्टेंट है दैट विल कवर इसके अलावा चैप्टर नंबर सिक्स कंप्लीटली टू थर्टी हो गया है फिर आता है चैप्टर नंबर सेवन ये आपको थोड़ा पढ़ाना है मुझे इसमें से आपको दो ऐसे पढ़ा दिए मैंने कौन कौन सा 260 हो गया एंड 265 हो गया जो दोनों न्यू सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट थे सो देर आर एसेज लाइक 560, 570, 450 एंड 580 ये ऐसेज क्यों क्योंकि इस चैप्टर का स्पेसिफिक वेटेज दस नंबर का दिया उन्होंने अलग से तो ये ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जहां मेरे को लगता है कंफर्म दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 262 65 से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और 560 70 80 में से एक क्वेश्चन मिलेगा अब है, तीन ऐसे पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन एक ही मिलेगा बट ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता तो पढ़ना पड़ता कोई ऑप्शन नहीं है तो फाइव सिक्सटी सेवेंटी एटी आई बिलीव देर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां तीनों में से एक में क्वेश्चन पक्का आएगा विल टॉक अबाउट दैट ऑडिट रिपोर्ट जो सबसे मेजर था वो सेवन था सेवन जीरो था, था वो मैंने डिटेल में कवर कर लिया सेवन जीरो हम कवर कर लेंगे एक दिन जब हमको लास्ट में पंद्रह मिनट मिलेगा आई एल फिनिश ऑफ सेवन जीरो रिपोर्ट भी खत्म हो जाएगा इलेवन पूरा चैप्टर हो चुका है एज इट इज विथ योर एस ए टू ट्वेंटी एंड एस जो बचा है वो बचाए टू वन जीरो वैसे ही सेवन जीरो पंद्रह मिनट में कवर करूंगा कोई तो मिनट के अंदर टू वन जीरो में कवर कर दूंगा कोई अमेंडमेंट नहीं है उधर बहुत आसान सा है एंड मेरे को प्रोबेबिलिटी इन दोनों ऐसे की ज्यादा लगती है क्योंकि वेटेज जो दसमाक का है उसमें तो पूछेगा या टू ट्वेंटी या एसक्यू से पूछेगा तो टू वन जीरो का अब इतना वेटेज नहीं है इन द न्यू सिलेबस तो मैं सिंपल है जहां मेरे को चांसेस ज्यादा लगता है ना क्वेश्चन के उनको डिस्कस कर रहा हूं दो ही अप्रोच है नंबर वन जो नया है वो पढ़ाना है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ओल्ड होकर के भी क्वेश्चन आने की वो पहले पढ़ाने का है देखो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा बट फिर भी जो मेजर पार्ट है एटलीस्ट वो आपको कंफर्ट आ जाए दैट दैट इज इज माय थॉट प्रोसेस क्लियर टू यू तो मैं पहले ट्राई करूंगा अभी एस एस कवर करने का फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज सेवन फाइव सिक्सटी सेवन दिस आई ट्राई टू फिनिश ऑफ ताकि फिर हमारे पास एस एस पढ़ने के लिए बचेगा एक ही चैप्टर दैट इज योर चैप्टर नंबर फोर ये डेंजरस है इसमें बहुत एसेज है 500, 501, 610 हो गया एक. This is done. Other than that, मतलब बहुत है 520, 530, 505, 510, 550, never ending है है, इधर. ये तो. तो पर इसमें कोई कोई नहीं changes नहीं सारे सारे के के ऐसे है, तो मैं एकदम अंदर देखता क्या उठा सकते हैं क्या उड़ा सकते हैं उसमें से कुछ ग्रेट नहीं है बट पहले जो बचाव पार्ट है वो मैं खत्म करना चाहूंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड टू थर्टी शुरू करते हैं थोड़ा ब्रेक देते हैं गले को दो घंटा ले देंगे आज चैप्टर फोर का मेजर पार्ट उड़ा देंगे थैंक यू